मथुरा के थाना बलदेव इलाके के गांव मांगना में 6 दिन पूर्व गायब हुए व्यक्ति का शव एक खेत में पड़ा हुआ मिला, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी सी फैल गई। जानकारी लगने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। दरअसल राजू 6 दिन पहले घर से किसी काम से बाजार के लिए निकला था, लेकिन वह घर वापिस नहीं लौटा था। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारियों पहुंचे, मामला की छानबीन शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और एसएसपी शलभ माथुर ने जल्द ही इस मामले का खुलासा करने की बात कही है। ये जो डेड बॉडी मिली किन की है? छोटो भैया है। क्या किसी ने मार दिया? क्या है घटना? पता ना है वो का है भैया, कौन थे? क्या नाम था वैसे इनका? राजू। उम्र क्या थी? होगी 25-26 हजार। सर ये आज एक खेत में शव मिला है, क्या है जानकारी पूरी? क्या मामला? वाले हैं, इनकी डेड बॉडी है, घर वालों ने शिनाख्त की है। ये 19 तारीख से गायब थे। संदर्भ में घर वालों ने कोई सूचना नहीं दी। घर वालों को ये लगा था कि ये बेलदारी का काम जनपद जयपुर में करते हैं और संभवतः ये वापस वहाँ पर लौट गए हैं। आज खेत में एक व्यक्ति जब यहाँ पे घास छीनने के लिए आया तो उसको इस बात की जानकारी दी कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है, और क्योंकि गाँव बागल का ही है तो उन्होंने फर्स्ट हैंड उसको शिनाख्त करी है। घर वालों द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, तहरीर प्राप्त की जा रही है, पोस्टमार्टम करके सर। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है देखने? प्रथम दृष्टिया ये घटना मर्डर की ही लग रही है। पोस्टमार्टम के बाद और चीज़ें क्लियर होंगी, कॉज ऑफ डेथ एग्जैक्टली क्या था और कितने दिन पुरानी डेड बॉडी है। प्रथम दृष्टिया देखने से डेड बॉडी 3-4 दिन मिनिमम पुरानी लग रही है, और जैसा मैंने बताया घर वालों को कुछ लोगों के ऊपर शक है, कुछ पुलिस की भी जानकारी में ये चीज़ आई है किस कारण से विवाद था, और शीघ्र घटना का अनावरण किया जाए। सर एक नौझील में एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 लोगों की मौत हुई है, उसके बारे में? नौझील में सुबह की घटना है ये, और तत्कालीन थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए थे, क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। 2 लोगों की डेथ हो गई थी, एक कैंटर को टो करके ले जा रहे थे, इसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारी जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई, एक व्यक्ति जो है वो इंजर्ड है, उसका इलाज चल रहा है। कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और कैसे उनका आइडेंटिफाई किया गया? हम अगर वर्ष 2018 से अभी तक की बात करें तो लगभग 129, जिसके अंदर लगभग 55 पुरुष हैं, 42 महिलाएं और 32 बच्चे जो बांग्लादेशी पकड़े गए, जो फॉरेन नेशनल्स जो हैं उनको पकड़ा गया। इसके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। और जब आप आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ रहे हैं, इसके लिए वृहद रूप से हम लोग की टीमें अभियान के रूप में लगती हैं, और बेसिकली LIU का इनपुट इसके अंदर रहता है, और ख़ास तौर से जो आउटसाइडर्स जिस तरीके से आके रहते हैं उनके ऊपर हम लोग के स्कैनिंग करते हैं, और जो ऑफलेट हम लोगों ने जितने भी लोगों को आइडेंटिफाई किया है, मुकदमा लिखाया है और जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, उसके पीछे यही सारे इनपुट रहे हैं। कुछ लोगों ने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स इत्यादि भी क्रिएट कर लिए थे, उनके बनाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, और 420 अन्य धाराओं की भी बढ़ोतरी की गई है। ये अभियान हमारा लगातार रूप से सतत रूप से चलता है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।